यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इंदौर पहुंचे थे। वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे उज्जैन पहुंचे, महाकाल का जलाभिषेक किया और भृतिहरि की गुफा के दर्शन भी किए। इसके बाद दोपहर में वो इंदौर लौट आए। शिवाजी वाटिका पर स्थापित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण बुधवार को ही उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक को 350 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने साल भर राज्याभिषेक की वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है, जिसमें स्वच्छता में नंबर वन शहर इंदौर ने यहां भी बाजी मारी है। देश भर में पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। वहीं बहुत सारे लोग भारत और भारतीयता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती। वो विदेशी हुकूमत को आज भी आका मानना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। जहां एक तरफ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी महाताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का सम्मान अच्छा नहीं लगता। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमें भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है। सीएम योगी सिर्फ यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के प्रति, सनातन परंपरा के प्रति, देश के महापुरुषों के प्रति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान लोगों के मन में होना चाहिए। तो हमें भारत की परंपरा के प्रति, भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति, भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों के प्रति, दैवीय विभूतियों के प्रति, राष्ट्र नायकों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति हर भारतवासी के मन में होनी चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज का यह भव्य स्मारक इस बात के लिए एक नई प्रेरणा का स्तंभ इंदौर से प्रारंभ हो रहा है। और मुझे विश्वास है इंदौर से प्रारंभ हुआ है तो इसकी झंकार तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जरूर सुनाई देगी, अवश्य सुनाई देगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता के नंबर वन शहर इंदौर ने बाजी मारते हुए पहला कार्यक्रम रखा है और देश भर में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे।